आठवीं कक्षा का एक छात्र हूँ। आज मैं विख्यात प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के शिमला मोहल्ले के एक प्रसिद्ध दत्त परिवार में हुआ था। घर में उनका बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त और उनके पिता से थे विश्वनाथ दत्त और माता से थी श्रीमती भुवनेश्वरी देवी। बचपन में इसी स्वामी विवेकानंद अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के और नटखट थे। वे थोड़े शरारती भी थे। वे अपने साथी बच्चों के साथ शरारत भी किया करते थे, पर बचपन से ही वे एक अच्छे विद्यार्थी होने के साथ साथ अच्छे खिलाड़ी भी थे। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अपने बीए की डिग्री भी पास की थी, पर परिवार में धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के कारण नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म एवं आध्यात्मिक के संस्कार गहरे पड़ गए। इसीलिए ईश्वर के बारे में जानने की आवश्यकता में वे कभी कभी ऐसे भी सवाल करते थे कि उसे सुनकर उनके माता पिता तथा कथावाचक पंडित जी भी चक्कर में पड़ जाते थे। उनको परमात्मा को पाने की लालच प्रबल थी, इससे तो वे ब्राह्म समाज में गए, पर वहाँ उन्हें संतोष नहीं मिला। एक दिन वे श्री दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी श्री रामकृष्ण परमहंस जी के मिले। तब उनसे मिलने के बाद श्री नरेंद्रनाथ के अंदर कई बदलाव आया, तो फिर उन्होंने श्री रामकृष्ण को ही अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया। उसके बाद से वे स्वामी विवेकानंद जी के नाम से कहे जाने लगे। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस जी को अपना जीवन समर्पित कर चुके थे। वे अपने गुरुदेव के नाम से एक मिशन की भी स्थापना की थी, जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। इस मिशन के द्वारा उन्होंने अनेक संख्या में विद्यालय, पाठागार, गरीब बच्चों के लिए अनाथाश्रम आदि की स्थापना भी की थी, और 25 साल की अवस्था में उन्होंने 11 वर्ष का धारण कर लिया। तत्पश्चात सारा भारत देश की भ्रमण करने का निर्णय लिया, और फिर तभी 1893 को अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। उस परिषद में स्वामी विवेकानंद भारत के प्रतिनिधि के रूप तक पहुँचे, पर तब उस वक्त अमेरिका के लोग पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे, पर एक अमेरिकन प्रोफेसर के कुछ प्रयास से विवेकानंद जी को उस परिसर में बोलने का कुछ समय मिला, पर तब उनके विचारों को सुनकर तो सारे विद्वान चकित ही रह गए। और फिर तो अमेरिका में उनका अत्यधिक स्वागत हुआ और वहाँ पे इनके भक्तों का बड़ा समुदाय हो गया। फिर 3 वर्ष तक स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में गए और वहाँ के लोगों को भारत के तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योतियाँ भी प्रदान की। आखिर में 4 जुलाई 1902 को उन्होंने देह त्याग किया। वे सदा अपने आप को गरीबों के सेवक के रूप में देखना चाहते थे, और उन्होंने अपने जीवन के आखिरी समय तक भारत के तत्व ज्ञान और भारत के गौरव को उज्जवल करने का सदा प्रयास किया था। 39 साल की गैर कम उम्र में वे हम सबको छोड़कर चले गए, पर उनके अद्भुत कार्यों के द्वारा वे हमारे मन में हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। धन्यवाद।